हेलो। रोड आपको यहाँ छोटे छोटे मिलेंगे लेकिन इतने खूबसूरत रोड मिलेंगे, क्या मस्त नज़ारे आ रहे हैं। यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं हम नदी के लिए, पूरी नदी और पूरा स्पेस इतना प्यारा दिखता है। यह दीदी जहाँ से हम अपना सामान ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। हेलो फ्रॉम सैलदे उत्तराखंड। हमारा सारा लगेज हो गया रेडी और हमने अपना सारा लगेज, अपना बैग्स वगैरह सब बाइकों में फिक्स कर लिया है और यहाँ उमेश भाई भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी निकलेंगे और आज की जर्नी भी काफ़ी लंबी होने वाली है। गांव-गांव आपको पूरा हमारे जो आसपास का गांव है सब कुछ दिखाया जाएगा। बने रहना वीडियो पे, और कहाँ जा रहे हैं और कब तक पहुँचेंगे, कितना डिस्टेंस है, ये सब आपको मालूम चलेगा इस वीडियो में। तो बने रहना गोप्रो मोड में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज का प्लान हमारा कहाँ कहाँ जाने का है। पहुंच चुके हम नगर गांव। तो अभी जा रहे हैं वलमारा से। वलमारा से जो रास्ते कटते हैं वो सारे गांव को कनेक्ट करते हैं। जैसे मेरा गांव भी जो पत्थरखोला से ऊपर है सुनोली गांव, वो भी उसी रास्ते में पड़ता है, और कलछिपा भी पड़ता है, और बहुत सारे गांव पड़ते हैं। अभी उसी रूट को हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या वादी दिखती है। और यहाँ से देखिए आप क्या प्यारा व्यू दिख रहा है। देखो पूरा नदी का व्यू दिख रहा है, पूरा जो बिल्कुल सीनिक व्यू है। देखिए क्या मज़ा आता है यार यहाँ। हेलो, थैंक यू। और जो एक बंदा चाहता है ना कि पहाड़ में आए और ऐसी जगह आए जहाँ बिल्कुल एकांत हो, चहल पहल कम हो, नेचर को फील कर सकें, और शुद्ध खाना सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ काफ़ी आपने देखा होगा पूरा साल दे प्लेन्स में बना हुआ है, तो वहाँ खेती वेती भी अच्छी होती है। देखो ऊपर हिल स्टेशन में मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरा गांव सुनोली गांव है, वहाँ इतनी खेती बाड़ी नहीं होती क्योंकि पाँच सीढ़ीनुमा खेत होते हैं और इतना जगह है भी नहीं वहाँ खेती के लिए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल प्लेन्स है, तो आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी और रहने के लिए भी होप सो आपको सालदे में। अभी थोड़े बहुत होम स्टे होटल्स हैं और आगे फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीद है। रोड आपको यहाँ छोटे छोटे मिलेंगे लेकिन इतने खूबसूरत रोड मिलेंगे, और इतने सारे गांव आ जाते हैं यहाँ पर। रोड मतलब लोग कम हैं लेकिन गांव में क्या होता है कि पहाड़ों में। अब ये मेन रोड मिल गया है, जो दिल्ली से देघाट वाली गाड़ी आती है, जो मेन हाईवे वो ये वाला है। वो अंदर से था, जो अंदर अंदर प्रधानमंत्री ग्राम योजना सड़क के तहत जो सड़कें बनती है हर गाँव। क्या मस्त नज़ारे आ रहे हैं, यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं हम नदी के लिए। और ये देखो नदी कितनी साफ दिखती है यहाँ से, पूरी नदी और पूरा स्पेस इतना प्यारा दिखता है। वाह, वो आपको ब्रिज दिख रहा होगा, पुल दिख रहा होगा, वो है वलमरा। वहीं से सारे रास्ते करते हैं, वहाँ से ब्रिज क्रॉस के लेफ्ट जाते हैं तो मेरे गांव का रास्ता आता है सुनोली गांव के लिए। और यहाँ पर भी सारे गांव के लिए मतलब तीन चार रोड है, इधर से एक लेफ्ट में जाती है, एक सीधा जाती है, फिर सीधे से भी वहाँ जाती है। तो वहीं से सारी जगह घुमाएंगे, उसी रोड से चलेंगे और आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या क्या पड़ता है रास्ते में और क्या क्या फैसिलिटी है सब कुछ बताया जाएगा आपको। और रोड देख लो, दो कार निकल सकती है, एक बस एक कार के लिए भी हल्का सा साइड में होना पड़ता है। तो ये जो एरिया है ये है सदर बाज़ार मल्ला बाज़ार वलमरा का, और ये है चक्की। तो हम पहुँच चुके हैं वलमरा, और हमारे पीछे देख सकते हो ये वो ब्रिज है जहाँ से हम गाँव-गाँव में होते हुए जाएंगे, आज अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। वलमरा में हम डायमंड जनरल स्टोर एंड फ्लोर मिल यहाँ से हम खाएंगे, खाने के लिए लेंगे कुछ, और क्योंकि हमारा प्रोग्राम है आपको आज का लंच हम खुद बनाएंगे। और यह दीजिए जहाँ से हम अपना सामान ले रहे हैं, मैं सारा सामान ही से लेता हूँ। और ये इनकी शॉप सीधा वलमरा का जो ब्रिज जा रहा है, जो नदी क्रॉस करने का बिल्कुल स्ट्रेट में ही है। तो यहीं से मैं अपने गाँव के लिए भी गया था और मैंने भी यहीं से सब्जियां वगैरह कुछ लिया था, सामान लिया था गांव के लिए। यहीं से जस्ट नीचे से हमने टैक्सी हायर की, शायद ये वाली गाड़ी थी, गाड़ी नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन यहीं खड़ी थी वाली गाड़ी, एक गाड़ी तो यहीं से लिया था हमने। और इस रास्ते से गए थे हम अपने लेफ्ट की तरफ को सुनोली गाँव में। तो हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली है और अब निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी, जो हम वलमरा के ब्रिज क्रॉस करके पुल क्रॉस करके आगे निकलेंगे और गांव-गांव होते हुए अपने उत्तराखंड को, अपने एरिया को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, और क्या क्या चीज़ है, कहां कहां आप आ सकते हो घूमने, मंदिर में दर्शन करने, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो
तो इस वीडियो करते यहीं एंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस एरिया को एक्सप्लोर करना। आप भी आना, बहुत पीस है, बहुत सुकून है, मतलब कि ट्रैफिक से दूर है। पहाड़ों में भी आजकल हर जगह ट्रैफिक है, लेकिन अभी भी ये अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ब्यूटी है, बहुत पीस है। जो पहाड़ों में आता है बंदा शांति के लिए, वो आपको यहीं मिलेगा। और ये जिम कॉर्बेट से लगभग 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ही दूर है, ऊपर है, हाइट में है, जो आपका जिम कॉर्बेट से लेकर भतराज खान विक्या सैन, उसके बाद ये बलमरा आता है, या आप बासठ के रास्ते से आ सकते हैं, मरचूला के रास्ते से ऑफ रोडिंग करके हमारे तरह जैसे हम आए थे लास्ट ब्लॉग में, आपने देखा होगा दो तीन ब्लॉग पहले, 39 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग थे, फिर हम विक्यासन पहुँचे थे, वहाँ से भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आपका नाम क्या है? मानसी मंदरा। और आपका? मीनाक्षी मंदरा। आपका? जयदीप मंदरा। भावेश मंदरा। आप दोनों भाई हो? हाँ। आप दोनों बहन हो? हाँ। आप चारों एक दूसरे भाई बहन हो क्या? नहीं, ये दोनों सके हैं और हम दोनों सके हैं।